अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप सबको सेवन्थ रोज़ा मुबारक हो। हमारे पास है आज सेवन्थ रोज़ा। यहाँ हो रहा था सुबह के तकरीबन 3:45 AM। यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी उठूँ क्योंकि मुझे पढ़नी होती है तहज्जुद, तो तहज्जुद में थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद होती है कुकिंग, इसी वजह से मैं आजकल जल्दी उठ रही हूँ। अच्छा जी, आज हमारे पास चावल नहीं बनने वाले क्योंकि हम दो दिन से चावल काफ़ी ज़्यादा खा रहे थे। तो आज बनेगा पराठा और इसके साथ मैंने बनाया था आलू टमाटर और भिंडी का सालन। तो बस यहाँ पे पराठा और ये सालन जो है हम इससे सहर कर लेंगे, लेकिन किड्स जो है आपको तो पता है बच्चे तो ये नहीं खाएंगे। बच्चों ने तो अपना नमीरा जो है वो अपना ओट मिल्क खाती है और अफान जियान भी ना बस ओट मिल ही या फिर सीरियल जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये बन रहा था सिर्फ मेरे और हस्बैंड के लिए और हम दोनों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हो गया और हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो एक पराठा उनके लिए मैंने बनाया और एक पराठा मेरे लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं खा रही थी घी शक्कर रोटी। मुझे पता नहीं आप लोग ने कभी ये ट्राई किया है या नहीं, लेकिन ये बहुत यम्मी होता है, बहुत टेस्टी होता है। हम जब स्कूल जाते थे, छोटे थे स्कूल जाते थे, तो अम्मी जो मेरी है वो पराठे बनाती थी और वो कहती थी कि ना तुम लोग घी शक्कर रोटी से एक बार खा के तो देखो, ये बहुत टेस्टी होता है। तो वाकई ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं हमेशा यही खाती हूँ तकरीबन। और यहाँ पे देखें आप, जियान जो है ना वो जल्दी से सहरी करके ना वो आके वो कह रहा था कि मामा आई एम वेरी स्लीपी, तो वो आके यहाँ पे सो गया। लेकिन मैंने फिर जियान को कहा कि जियान ये अच्छी बात नहीं होती है, तुमने वज़ू भी बनाया, अगर तुमको नींद लग जाएगी तो वज़ू तुम्हारा टूट जाएगा, तो उठ के बैठ जाओ। तो जियान फिर यहाँ पे उठ के बैठ गया था और इसके बाद हुई फजर की अज़ान और हमारा सहरी भी हो गया। और यहाँ पे देखिए फजर की अज़ान भी हो गई थी और हमने फजर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। और इसके बाद हस्बैंड जो है वो जॉब के लिए निकल गए, वो चले जाते हैं तकरीबन 6:30 पे। तो देखिए यहाँ पे टाइम 6:30 पे कैसा हो गया, पहले तो 8:30 तक भी इतनी सुबह नहीं होती थी, इतना उजाला नहीं होता। अभी 6:30 पे देखो आप कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है क्योंकि सनराइज़ भी बहुत जल्दी हो जाता है अभी। तो बहरहाल यहाँ पे हस्बैंड भी चले गए थे 6:30 पे जॉब पे और मैं इसके बाद चली गई थी बेड पे। बच्चे तो ऑलरेडी वो सो गए थे क्योंकि आज था संडे और उनको तो स्कूल भी नहीं था, तो वो बस सीधा फजर की नमाज़ के बाद वो सोने बेड पे चले गए। मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए वेट करी थी, वो जैसा चले गए मैं भी फिर सोने के लिए चले गई। अच्छा, आज मैं आपको ये बता दूँ, हमारे पास है इफ्तार पार्टी, तो आज मैं टेंशन फ्री हूँ, मुझे आज कुछ बनाना नहीं है। तो बस मैंने कहा कि चलो रिलैक्स रहो थोड़ा। और ये देखिए, ये हो गया था जोहर का टाइम और यहाँ पे नमीरा जो है वो फीलिक्स को बाहर वॉक पे ले जा रही थी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा विंडी था, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से ना फीलिक्स को बाहर नहीं जाना था। वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी लेकिन वो नहीं जा रहा था क्योंकि विंडी बहुत ज़्यादा थी। अगर उसको लगता है कि ना विंड है, ठंड है, तो वो नहीं जाता है, वरना आप देखे होंगे हम डोर खोलने की देर होती है वो भाग जाता है, लेकिन अभी वो नहीं जा रहा था विंड की वजह से। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आज हमें जाना है इफ्तार पार्टी में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना हम यूजुअली करते थे मस्जिद में इफ्तार पार्टी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं तो मस्जिद में ज़्यादा फिट नहीं होंगे,
जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि हमारा छोटा टाउन है तो मस्जिद भी जाहिर सी बातें छोटी है, तो ज़्यादा लोग अकोमोडेट नहीं हो सकते, और यही रीज़न की वजह से हमने करवाया था हॉल बुक। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आप सारे जितने भी फैमिलीज है पॉटलॉक होता है, कोई एक डिश लेके आनी होती है, अपनी मर्ज़ी से आपको जो चाहिए वो आप लेके आएँ। और हॉल का जो प्राइस होता है वो 2 आवर्स या 3 आवर्स के हिसाब से होता है, तो जितने भी फैमिलीज आते हैं उनके उस पर वो डिवाइड हो जाता है। जैसा 10 फैमिलीज आ गए तो उसमें जो भी अमाउंट वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी मेरे सारे काम रेडी थे, सारा किचन, घर का सफाई वह सब सही थी, क्योंकि कुछ मुझे बनाना नहीं था। और यहाँ पे अफ़ान बस असर की नमाज़ के लिए वेट कर रहा था, अफ़ान को जाना था स्केटिंग के लिए। और यहाँ देखिए नमीरा वापस आ गई थी, फिलिक्स को नहीं जाना था, वो छुप रहा था नमीरा से, वो सोच रहा था शायद नमीरा उसको फिर फोर्सफुली बाहर ले जाएगी। अच्छा जी, ये जब दावतें आती हैं ना तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करने के लिए आप क्या पहने दावत में। तो यहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा ड्रेसेस निकाल के मैं रख चुकी थी मैं, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। नॉर्मली तो आपकी ऐसी नॉर्मल पार्टीज़ या गैदरिंग होती है, आप कैजुअल पहन के चले जाते हो या वेस्टर्न ड्रेसिंग जो भी है आप कर लेते हो, लेकिन जब आप दावत जैसे कि, और आपको तो पता है कि यहाँ पे ये कंट्रीज़ में दावतें बहुत कम आती है, जैसा इफ्तार हो गया या फिर ऐसी कोई बर्थडे पार्टीज आती है, तो उसमें हम जो है इस टाइप के ड्रेसेस पहन के जाते हैं। हमारे जो कल्चर होता है इंडिया पाकिस्तान का, वैसा हम पहन के जाते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ा मसला होता है कि क्या पहने। तो आप यहाँ पे देखें, सारा कुछ मैंने बिखरा के रख दिया था, इसी वजह से मैं बस ड्रेसेस निकाल रही थी। तो मेरा क्लॉजेट भी देखें आप कितना ज़्यादा मैसी हो गया था, क्योंकि मैं सारे बस निकाल के फेंक रही थी। तो फाइनली मैंने कुछ डिसाइड किया था पहनने के लिए, लेकिन नमीरा ने कहा मम्मा मैं और आप दोनों आज हम सेम पहनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम दोनों सेम पहनते हैं, यानी कि कलर्स जो है ना वो सेम रखते हैं। तो नमीरा की फरमाइश पे मैंने ये कलर जो है ये चूज़ किया। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ प्रेस करके रख दिया था और नमीरा पहनेगी ये कलर। और तो इसी वजह से नमीरा ने मुझे कहा था कि मम्मा हम दोनों सेम पहनते, तो हमने देखिए हमारा कलर दोनों का मैच हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हो गया था असर का टाइम, और असर के बाद नमीरा ड्रॉप करने गई थी अफ़ान को स्केटिंग के लिए। तो यहाँ इफ्तार पार्टी में मैं ले जाऊँगी फ्रूट चाट, तो मुझे ये सारे कुछ कट करने थे, अभी हो रहे थे 5:30। तो मैंने ख़ास तौर पे ना इसको लेट कट किया, क्योंकि आपको पता है फ्रूट्स जो है ना अगर आप कट करके रख दो तो वो वाटर ज़्यादा रिलीज़ कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी कि सॉगी नहीं बोल सकते आप, लेकिन उसका वो जो टेस्ट है वो बरकरार नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैं जो है ना बस 5:30 पे इसको मैंने कट किया है, क्योंकि हमें निकलना था 6:30 पे। 5:30 पे मैं जब कट करी तो ये हो गए थे, 6 बज गए थे इसको कट करते करते। तो बस मैं कट करके इसको सारा कुछ चाट मसाला जो है मैंने तो नॉर्मल डाला है, बस थोड़ा सा सॉल्ट और इसके साथ ब्लैक पेपर, चाट मसाला और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स ये डाले हैं। और ये डाल के देखिए मेरा यम्मी सा डिलीशियस सा फ्रूट चाट रेडी हो गया। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 फ्रूट्स डाले हैं, एक ऑरेंज हो गया, एक कीवी है, ग्रेप्स है, एप्पल है, और इसके अलावा मैंने डाला है थोड़े से चेरीज। मैं बनाना डालना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बनाना से मुझे लगता है कि ये ब्लैक हो जाते हैं, तो ये भी रीज़न था कि कहीं ये फ्रूट्स ब्लैक ना हो जाए, इसीलिए मैंने जो है ना एंड पे उनको 5:30 पे कट किया, तो ये 6 बजे तक रेडी थे। तो हुआ ये कि मैंने आज हस्बैंड को रिक्वेस्ट की थी कि आप कैसा भी करके जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये जो हमारे पास गैदरिंग होती है इनकी जॉब आ जाती है, कभी डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट, तो ये ज़्यादा अटेंड नहीं करते, तो मैंने इनको कहा था कि आप जल्दी आ जाएं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी आ गए थे और ये भी हम भी रेडी थे, और मैंने देखिए मैंने ये ड्रेस पहना था और हम बस रेडी थे, मैंने यहाँ पे पैक कर लिया था सारा कुछ, ये बैग्स में मैंने डाल दिए थे, और नमीरा भी देखिए ये भी रेडी थी। यहाँ पे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खफा हो रहे थे कि ना 7 पे जो है रोज़े का टाइम है, इफ्तार का टाइम है, और तुम लोग अभी 6:30 भी हो गए यहीं पे हो। तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, बहुत ज़्यादा रश में थी, मैंने ना ही नमीरा की वीडियो बनाई, ना ही मेरी वीडियो बनाई, ना ही हस्बैंड की और ना ही बच्चों की बनाई। तो यहाँ पे देखिए मैं, नमीरा और हस्बैंड हम लोग ही जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अफ़ान को नमीरा ने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया था स्केट्स पे, तो वो सेम ही जगह है जहाँ पे ये हॉल हमने बुक करवाया, तो अफ़ान वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए वेन्यू पे, तो यहाँ पे हो रहे थे मेरे ख्याल से 6:35, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे हाउस से, हमारे घर से बस हमको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं हार्डली यहाँ पे पहुँचने, लेकिन आपको तो पता है ना हस्बैंड कहते कि जो टाइम है उससे पहले जाया करो, एग्जैक्ट टाइम पे मत जाया करो, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर हमको सारा कुछ अरेंज वे सब करना होता है, और रमज़ान का टाइम ऐसा होता है कि आप थोड़ी देर बैठ के इबादत करो, जो कि ऐसी गैदरिंग्स में बिल्कुल भी नहीं होता है।
क्योंकि ऐसी गैदरिंग्स में बातें इतने ज़्यादा होते हैं कि बैठ के दुआ करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आप अग्री करते हैं या नहीं? और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी जो है दूसरे फैमिलीज आ गए थे और ये बस प्लेट्स जो है इसमें सर्व कर रहे थे सबके, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, 45 to 50 मेंबर्स होंगे, तो उसी हिसाब से सबके प्लेट्स यहाँ पे लग रहे थे। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो सेक्शन बने हुए, ये जो है इस साइड लेडीज़ का है और जो दूसरा साइड है वो जेंट्स का है। तो यहाँ पे देखिए किसी ने पकोड़े जो है वो पकोड़े लेकर आए कोई, और कोई जो है जैसा कि मैं फ्रूट चाट लेकर आई, और यहाँ पे इन्होंने पकोड़े लाए, और किसी ने चिकन वो जो होता है ना चिकन ग्रेवी, वो मेन कोर्स के लिए चिकन ग्रेवी आई है, और ये जो है साथ में है नान, और इसके अलावा है स्प्रिंग रोल्स और बीफ समोसा, चिकन सैंडविच, और ये जो है ये स्वीट डेजर्ट है जो कि फेमस बांग्लादेशी डिश है, और ये है आपने तो देखा होगा वो तो है मसाला चिकन, और इसके साथ ये है मेरा फ्रूट चाट। तो इसके अलावा भी और सारे डिशेस थे, लाइक दही बड़े थे, समोसे थे और सैंडविचेस थे, जो कि वो फैमिलीज अभी आए नहीं, जब वो आएंगे तो फिर वो सर्व होंगे। और यहाँ पे मेन कोर्स में दो डिशेस हैं, एक है चिकन पुलाव और एक है चिकन करी विथ नान। यहाँ पे सबके प्लेट्स रख के रेडी थी, और यहाँ पे सबने दो दो पोर्शंस में लेकर आए, क्योंकि एक पोर्शन जाएगा जेंट्स के पास और दूसरा रहेगा लेडीज़ में, और जिसकी वजह से मैंने भी एक डिश के दो पोर्शंस बनाए। इसमें ही डाल के दे दो। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि इफ्तार के बाद हम नमाज के लिए ठहरते थे, और नमाज के बाद हुआ हमारा मेन कोर्स, और मेन कोर्स होने के बाद सबने जितना भी फूड था ना वो सबने, और यहाँ पे जो भी फूड बच गया था वो सबने डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, स्पेशली जो बैचलर्स आते हैं तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो ये वही चल रहा था यहाँ पे। इसके बाद हमको करना था सारा कुछ क्लीन अप, और क्लीन अप जैसा वो हमको हॉल देते हैं वैसे ही हमको उनको वापस रिटर्न करना होता है, तो यहाँ पे हमने सारा कुछ क्लीन करके बस हम लोग यहाँ से निकल गए। जब हम आए थे यहाँ पे 6:30 पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन अब अचानक से एकदम ठंड बढ़ गई, और यहाँ पे मैंने जो है ना वो लाइट वेट जैकेट जो होती है स्प्रिंग वाली वो मैंने पहनी थी, मैंने प्रॉपर शू भी नहीं पहने थे, मैंने हुस्सा जो है वो पहना था। आई एम लाइक फ्रीजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी यहाँ पे। बस जो लास्ट में हम 3-4 फैमिलीज जो बच गए थे ना, बस हम भी निकल रहे थे, क्योंकि तरावी का भी टाइम हो रहा था, तो इसीलिए हम बस निकल गए। अच्छा, यहाँ पे हमारे सब तो ज़रूर होता है, हम जब कोई दावत में जाके आते हैं या कोई ऐसी कुछ गैदरिंग होती है तो हम आके ज़रूर बात करते हैं कि क्या हुआ था, कैसा था खाना, वही क्या बातचीत हुई, ये सारा कुछ होता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे हस्बैंड जो है वो तो ये सारी कुछ बात नहीं करते, लेकिन मैं ही उनको बताती हूँ कि क्या हुआ था, क्या चल रहा था, ये तो यही हमारे बीच बात। माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी थी, सबने बहुत मज़ा किया, बड़ों ने भी बच्चों ने भी। और इसके बाद हम आ गए घर, और यहाँ पे बज रहे हैं 9,
और इसके बाद हम चले गए इशा की नमाज के लिए और फिर तरावी। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपनी खसूसी दुआ में ज़रूर याद करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।